फिर एक दिन हमका एक था, लेकिन पता नहीं काहे सब लोग हमरे ऊपर हंस रहा था। ऐसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था। तुम्हारे प्लैनेट पे भी लोग फेटी जींस पहनते हैं? नहीं 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 नहीं, हमरे गोले पे तो कौनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। जब हम यहाँ आया तो शुरू शुरू में हमका फीलिंग हुआ कि हमरे लोगन की चमड़ी यहाँ के लोगन की चमड़ी से फर्क है। कौनों की चमड़ी चमकीली शाइनिंग और कौनों की चमड़ी फुल ब्लैक काली, कौनों की चमड़ी रंगीली तो कौनों की सफेद, कौनों की चमड़ी चिपकी हुई और कौनों की चमड़ी ढीली ढाली। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। उ दिन हमरी समझ में आया कि ई गोला के लोगन की चमड़ी बिल्कुल हमरे जैसी है, सिर्फ वो अपने बॉडी के ऊपर फैशन नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। अब हवाओ तुम्हारे गोला के लोगन के साथ मिलजुल सकता था, लेकिन पता नहीं काहे सब लोग हमरे ऊपर हंस रहा था। थोड़ा टेम लगा समझे माँ कि आदमी का फैशन अलग और लेडीज का फैशन अलग, दिन का फैशन अलग रात का फैशन अलग, खेले का फैशन अलग खिलावे का फैशन अलग। अब रिमोटवा ढूंढे खातिर हमका सीखना था ये गोले की भाषा। बिना भाषा यहाँ कौनो काम पॉसिबल नहीं था। जैसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था। हमका फीलिंग आया कि हम उका फैशन बिगाड़ दिया था, इसलिए हम जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया।